सो हेलो हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन न्यू वीडियो कैस्टल क्रैश। तो गाइज तुम लोग का अगेन स्वागत है कैस्टल क्रैश के और एक न्यू मोर इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो गाइज देखो, यहाँ पे हम लोग जो है राउंड 9 यहाँ पे स्टार्ट कर दिए हैं, और राउंड 9 जैसे विन करेंगे उसके बाद राउंड 10 आएगा, उसके बाद यहाँ पे टूर्नामेंट विन कर देंगे। तो भाई ग्रैंड टूर्नामेंट ऑलरेडी विन हो चुके हैं, तो यहाँ पे जो है ये सेकेंड टाइम ट्राई कर रहे हैं। अगर जीत जाते हैं तो सेकेंड स्टार्ट होगा, तो अगर टॉप 50 में आएंगे तो टॉप 50 रैंकिंग पे एक लेजेंडरी मिल जाता है जब टूर्नामेंट खत्म होता है, ठीक है। तो इसलिए गाइस हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करो, और मैच मेकिंग नहीं लग रहा है, तो देखते हैं भाई कितना देर में यहाँ पे मैच मेकिंग लगता है। 32 सेकेंड हो गया, 33 सेकेंड। एंड साथ में गाइस तुम लोग जो है ना डेक भी देख लेना, डेक तो लास्ट एंडिंग में देख लेना, जैसे मैच खत्म होगा तुम लोग को दिखा देंगे और बहुत सारा गेम प्ले भी दिखा देंगे। तो डेक गाइस ये वाला काफ़ी अच्छा है, जिसमें कि हम यहाँ पे जो है ना एक विंड, दो क्रिस्टल, एक फिनिक्स, और साथ में यहाँ पे जो है वैम्पायर्स यूज कर रहे हैं, स्पाइक स्टैचू यूज कर रहे हैं, होलो नेट यूज कर रहे हैं, और ड्रैगन, डबल फायर एलिमेंटल और वेलकारी, ठीक है। तो गाइज बहुत अच्छा डेक है, तो तुम लोग अपने से ट्राई करो। तुम लोग बोलते हो यार टूर्नामेंट का डेक नहीं मिलता है, तो गाइज देखो अभी के टाइम में जो है मैक्सिमम जितने भी अपोनेंट होते हैं, देख लो यहाँ पे ये हम बोलने वाले स्किलेटन डेक यूज करते हैं, और गाइज ये देखो ये बंदा स्किलेटन डेक यूज कर रहा है। तो यहाँ पे गाइज यहाँ पे स्किलेटन डेक यूज किया, एंड भाई यहाँ पे भाई इतना जल्दी उतार दिया ये, मतलब ये अब स्किलेटन यूज करेगा। तो यहाँ पे गाइज देखो मेरा फोनिस गया भाई, देखो यार क्या ही टाइम पे मेरा यहाँ पे स्पाइक स्टैचू आया भाई, एकदम यार मतलब लकी टाइम पे मेरा स्पाइक स्टैचू आया। अगर स्पाइक स्टैचू नहीं आता तो गाइज अभी मेरा फिनिक्स चला गया होता और ये मेरे को तुरंत हरा देता। तो यहाँ पे थोड़ा सा भी चांस बचा है, तो ये बंदा जो है राउंड 9 में काफ़ी तगड़ा मैच होगा लगता है इसके साथ। मतलब अभी तुम अगर देखोगे ना तुम लोग, तो मैक्सिमम लोग जो है ना स्केलेटन डेक ही यूज करते हैं, और बीच में गाइज यहाँ पे जो ना हमको लाइव रिकॉर्डिंग करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। बीच में देखो यहाँ पे एक कॉल आ गया, कॉल आके हमको यहाँ पे परेशान होने लगा, यही सब गाइज प्रॉब्लम की वजह से जो है रिकॉर्डिंग करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है ऐसे। इसलिए गाइज हम डायरेक्ट जो है मतलब पहले खेल लेते हैं, उसको आईडी प्ले तुम लोग को शेयर करते हैं, ठीक है। तो गाइज देखो यहाँ पे जो है ना अभी सही टाइमिंग पे हम यहाँ पे तुम लोग देखें यहाँ पे ब्लैक विच का यूज़ किया, तो यहाँ पे जो वेलकारी यहाँ पे उतार दिया, नहीं तो गाइज यहाँ पे अगर मेरा ब्लैक विच को ये मार देता तो ये जो है प्लस ये डिसोडक्शन भी यूज़ कर रहा है, 2 डिसोडक्शन यूज़ कर रहा है। तो अगर मेरा ये ब्लैक विच को मार देता इसका स्प्लिटन, तो सिंपली गाइज यहाँ पे जो है ना थोड़ा फास्ट यहाँ पे स्प्लिटन का मतलब अटैक होता है, तुमको पता ही है उसका अटैक स्पीड बढ़ा देता है। तो यहाँ पे गाइज देखो ये डिसोडक्शन यूज़ करते जा रहा है, बट इसको चांस उतना ज़्यादा मिलेगा नहीं। मैं वहाँ पे स्पाइक स्टैचू दे दिया हूँ, और साथ में यहाँ पे गाइज ड्रैगन यहाँ पे इसको मार देगा, और उतना कोई चांस नहीं, विंड भी इसका ऐसा वैसा कुछ यहाँ पे नहीं आया जो कि ये मेडा ड्रैगन को पीछे कर सके, ठीक है। तो उसके साथ गाइज देखो यहाँ पे राउंड 9 यहाँ पे ग्रैंड टूर्नामेंट विक्ट्री हो चुके हैं, और अब गाइज यहाँ पे हमको राउंड 10 खेलना है। तो गाइज देखो टूर्नामेंट जो ये काफ़ी ईजी है, तुम लोग स्टार्टिंग के दिन अगर ट्राई कर, जैसे कि जेम्स रहता है ना भाई यहाँ पे एकदम 10 जेम्स, ओनली 10 जेम्स में हम गाइज टूर्नामेंट यहाँ पे विन कर रहे हैं। तो ये जेम्स गाइज यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, बिकॉज गाइज जैसे कि तुम टूर्नामेंट खेलोगे ना, टूर्नामेंट खेलने के बाद अगर तुम फिर से अगर वही टूर्नामेंट अगर एक्स्ट्रा मतलब ग्रैंड टूर्नामेंट खेलोगे, फिर से तुम अगेन ग्रैंड टूर्नामेंट खेलोगे, तो उसमें गाइज जेम्स यहाँ पे पता नहीं दिखता नहीं है। तो सिंपली गाइज उसके बाद यहाँ पे देखो राउंड 10 यहाँ पे मैच स्टार्ट कर चुके हैं, और टाइमिंग यहाँ पे जो है ना राउंड 9 और राउंड 10 ये जो है इसमें टाइमिंग गाइज बहुत थोड़ा सा लंबा लेता है, क्योंकि गाइज सोचता है कि मतलब जो भी थोड़ा तगड़ा अपोनेंट दिलवाएगा, ठीक है। लेकिन गाइज तुम लोग को हम एक चीज़ बताते हैं भाई, यहाँ पे जितना हमको लगा कि अब से गाइज जैसे कि राउंड 9 या राउंड 10 स्टार्ट करोगे ना तुम लोग यार कैंसिल मत करना, ठीक है। कैंसिल करने पर जो है ना थोड़ा अपोनेंट हार्ड भी आ जाता है, और अगर कैंसिल नहीं करोगे तो अपोनेंट गाइज थोड़ा नॉर्मल ही आएगा। और टूर्नामेंट अगर जितना है गाइज, तो टूर्नामेंट स्टार्टिंग के दिन मत ट्रैक करो, मतलब अब जैसे हमको लगता है, तो गाइज स्टार्टिंग के दिन अगर तुम ट्राई करना कर सकते हो, अगर जीत गए तो ठीक है, नहीं तो गाइज तुम जैसे आज है लास्ट दिन होता है, फिर जैसे कल हुआ तो कल तुम ट्राई कर सकते थे या आज तुम ट्राई कर सकते हो, तो गाइज तुम लोग का चांस रहेगा जितने का, बिकॉज गाइज नॉर्मल भी अपोनेंट तुम लोग को मिलेगा ग्रैंड टूर्नामेंट में। तो इसके साथ ही गाइज तुम देख सकते हो यहाँ पर मेडा हमको यहाँ पर कैंसिल करना पड़ा, मैं करना नहीं चाह रहा था, बट लेकिन गाइज यहाँ पर जो टाइम कुछ क्या बोल कि बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा था, इसलिए गाइज यहाँ पे हम कैंसिल किए हैं। तो देखते गाइज हमको एक अपोनेंट यहाँ पे मिलेगा राउंड 10 यहाँ पे, देखते हैं जीत पाते हैं या नहीं, तुम लोग भी देख ही रहे हो। तो यहाँ पे एकदम गोल गोल घूम रहा है, यहाँ पे अपोनेंट मिल ही नहीं रहा है गाइज, यही एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे अभी फिलहाल। 29 सेकेंड, 30 सेकेंड, 31, फाइनली गाइज यहाँ पे मिल चुका है अफजल मलिक टॉप गेमर्स। तो गाइज यहाँ पे देखो अपोनेंट उतना कोई खास हमको मिला नहीं है राउंड 10 में, तो इसको गाइज हम आराम से हरा भी सकते हैं, हार भी सकते हैं हम इससे। तो गाइज यहाँ पे जो है क्योंकि राउंड 10 है भाई, यहाँ पे कोई एडिक्स लेना नहीं है, सिंपली मेरा सही टाइमिंग पे यहाँ पे कार्ड या फिनिक्स उतार दिया, और साथ में यहाँ पे हम होलो नाइट भी एकदम उतार दिए। तो देखते हैं गाइज, ये बंदा को गुड लक भी बोल देते हैं, देखते हैं ये क्या करता है लास्ट का राउंड में।
और भाई ये यहाँ पे डॉट यूज़ कर रहा भाई, किस टाइप का डेक यूज़ कर रहा है हमको समझ में नहीं आता भाई। लगता है एकदम नॉर्मल डक डॉक्यूमेंट मिल गया भाई। यहाँ पे देखो एकदम लकी हम हो गए आराम से। गए यहाँ पे जो है ग्रैंड टूर्नामेंट का सेकंड स्टार भाई, यहाँ पे इसके पास डार्क एंजल भी है, तो यहाँ पे जो है इसको चांस हम कोशिश करते हैं इसको चांस ज़्यादा नहीं दें, नहीं तो अगर चांस इसको ज़्यादा मिल गया तो मेरा काम बिगड़ना था। वैसे बिगड़ेगा नहीं बिकॉज मेरा जो है सही टाइमिंग पे सही कार्ड यहाँ पे आ गया है। तो ड्रॉ भी तुम्हारा गैज बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, अगर ड्रॉ तुमको अच्छा मिलता है तो तुम गैज आराम से मिल सकते हो। एंड उसके बाद गैज इसका यहाँ पे देखो एंजल यूज कर दिया, अब इसका एंजल को भी मार देंगे। और भाई यहाँ पे जो है हम थोड़ा सा विंड दे सकते हैं सही टाइमिंग पे, यहाँ पे विंड भी दे दिए, नहीं तो ये मेरा फिनिश को मार देता और गया गैज ये हार गया। अब इसके पास कुछ ज़्यादा चांस भी नहीं मिला। एंड भाई यार एकदम नॉर्मल अपोनेंट था भाई, नॉर्मल से भी नॉर्मल जीरो लेवल का गए बताएं किस टाइप का अपोनेंट था भाई। यहाँ पे जो है मेरा थोड़ा छू भी नहीं पाया और राउंड 10 में गाइज काफ़ी इजी अपोनेंट यहाँ पे हमको मिल गया। और यहाँ पे हो गया मेरा सेकंड स्टार्ट कंप्लीट, तो यहाँ पे आप चेस्ट ओपन कर लेंगे। तो ये रहा मल्टीपल 1 पॉइंट हमको एक्स्ट्रा और मिल गया, एक गुना और पॉइंट मिल गया। साथ में यहाँ पे 122 कॉमन, 12 रेयर्स और 2 एपिक और 2000 यहाँ पे जो है हमको गोल्ड मिल रहा है। तो गाइस तुम लोग को अभी जो ना और भी गेम प्ले दिखाते हैं, जो कि मतलब कुछ कुछ गेम प्ले है जो कि मैच स्टिक का तुम लोग को दिखाते हैं जो कि काफ़ी बेस्ट हुआ था। और साथ में डेक भी देख लो गाइस, अगर तुम लोग अभी तक जीते नहीं हो तो सिंपली गाइस ये वाला मेरा डेक तुम लोग कॉपी कर सकते हो और ट्राई कर लो गाइस यहाँ पे, और थोड़ा अच्छा से खेलना आराम से खेलना एंड आराम से जीत जाओगे ग्रैंड टूर्नामेंट काफ़ी इजी। और कंटिन्यू गाइस मत करना, ठीक है कंटिन्यू मत करना, भूल से भी गाइस एक चीज़ जान लो कंटिन्यू मत करना। अगर राउंड मतलब कि जैसे मैच स्टार्ट किए 10 जेम्स बोलते, 10 जेम्स से गैज ट्राई करना, 10 20 45 बहुत से ज़्यादा 50 मैक्सिमम हो जाए, 50 से गैज ऊपर जेम्स जो है कंटिन्यू मत करना, ठीक है। तो गैज यहाँ पे आराम से तुम लोग जीत जाओगे, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो गैज ओनली 10 जेम्स में यहाँ पे जीत गए और मास्टर टूर्नामेंट गैज नहीं हो पाएगा क्योंकि 1200 जेम्स बचा हुआ है। फिर भी देखते ट्राई करेंगे, अगर हुआ तो ठीक है, नहीं तो भाई कोई बात नहीं। वैसे यहाँ पे चांस बहुत कम है, मास्टर इस बार नहीं जीत पाएंगे। एंड उसके साथ ही गैज यहाँ पे देखो 24 नंबर यहाँ पे मेरा 145 नंबर पे थे हम, तो वो यहाँ पे हमको 24 नंबर यहाँ पे अभी शो नहीं किया लेकिन शो कर देगा जैसे गेम को रिस्टार्ट करेंगे। तो 24 नंबर पे गए जी यहाँ पे मेरा यहाँ पे दिखा रहा है 24 नंबर पे आ चुके हैं, मतलब टॉप 50 के अंदर आएंगे ना तो हमको एक लेजेंडरी कार्ड मिलता है, जिसके यहाँ पे टूर्नामेंट का इसका रूल है। तो गए वैसे तुम लोग बताना गेम प्ले कैसा था, और काफ़ी इजली गए देखो यहाँ पे ग्रैंड टूर्नामेंट विन करके, और तुम गए यहाँ पे डेक देख सकते हो मेरा, और यहाँ पे जो कुछ कुछ बीच में हम ट्रॉफीज मैच खेल देते हैं बिकॉज गए 6-7 राउंड यहाँ पे खेले थे, उसके बाद फिर बीच में गेम रोक दिए थे, उसके बाद ट्रॉफीज मैच खेल लिए थे, तो उसके बाद ही हम मैच स्टार्ट किए और काफ़ी ऐसा मैच यहाँ पे जीत गए। तो तुम लोगों गाइज कुछ कुछ मैच दिखाते हैं और देख लो यहाँ पे अपोनेंट कितना, सब गाइज स्क्लिटन मैक्सिमम, तो स्क्लिटन वेलकार्ड यही चल रहा है। तो तुम लोग गाइज इस वाला डेक से, अगर जो डेक से हम यहाँ पे मैच विन किए हैं तुम लोग खेलना चाहो खेल सकते हो, ठीक है। और साथ ही गाइज गेम प्ले देख के बताना कैसा लगा, तो कमेंट में कमेंट करना। तो मिलते गाइज नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। This is perfectly normal. It's going to be better. And your brain is just now. Now find yourself. Rest for a while. Give me a moment to I'm not going to be able to do that.
Feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I will never let my thoughts get away now. I got more of these to do than you think now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, and I can find my way even when I'm feeling down. I fight even when I don't know what is right. I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and die. You never let me tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. Planning on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan.